उसका भी करवा दे। हाँ उसका भी करवा दे, अच्छा रहेगा। ऐसे जनता दल यू राष्ट्रीय जनता दल को सलाह देना चाहती है, लोकतंत्र में विपक्ष की अलग भूमिका होती है। विपक्ष का काम आलोचना करना ही नहीं, सरकार के किए हुए काम को सराहना भी करना चाहिए। कहावत कहा गया है कि अपने गृहमान में झांका करो, कभी कभी किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। जानकारी मिली है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जंतर मंतर पर कल धरना दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धरना दे। परी को आपने क्या किया साई बिहार की जनता को? महिलाओं के लिए क्या दर्द भरा आंसू गिर रहा है? देखिए इनका कुकर्म जो है, इनके किए हुए कार्य, कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में 90 में कौन मुख्यमंत्री थे? 91 में इसका रजिस्टर हुआ, तब से इसको बिहार सरकार अनुदान दे रहा एक्ट के तौर पर। लेकिन बिहार में जब ये खुलासा किसने किया, जब मामूली जब ये खुलासा सामने आया तो क्या सरकार इसको बचाने का काम किया? उनके सुपुत्र जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, वो बताए एक दिन में, मामूली चीज नहीं, इतना घर बोल रहे उसने इतना प्रभाव आएगा, एक दिन में दोनों भाई ने अशोका होटल, कनाट पैलेस, मेहरौली का जो फार्म हाउस है, जिसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया था, जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था, एक दिन में तीन बार, आश्चर्यजनक क्या है? छेड़छाड़ करते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड का रिवॉल्वर छीन लिया जाता है, इनको पीटा जाता है, तो बिहार की जनता को बताना चाहिए कि जब लगता है तब जंगली जानवरों के साथ साथ जोकर को भी देखने के लिए दर्शक जाते हैं। धीरे धीरे सर्कस का जब रंग फीका होता है तो सर्कस वाले अपने तंबू को उखाड़कर दूसरे शहर में की तरफ निकल जाते हैं। अब तंबू दिल्ली में लगने वाला है, दिल्ली वाले सर्कस का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जाएंगे और सर्कस के तौर पर जो सर्कस में जो काम करने वाला का जो तौर तरीका आपको ही मालूम है। लेकिन 1 जनवरी 2008 को जब तत्कालीन लालू जी रेल मंत्री थे, लेकिन किस बात के लिए धरना? मुजफ्फरपुर में जो बालिकाओं लड़कियों के साथ जो हुआ, इसी तौर पर ये हम लोग को संसार किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई जांच देने का काम किया, लोग भर्म में नहीं रहे, हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में भी हो। लेकिन धरना देने के पहले इनको बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहिए कि 1 जनवरी धरना दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। इसलिए कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा। भर्म की स्थिति नहीं हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को देने का काम किया। अब आगे निर्णय होता है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां से बाहर। हम यह जानना चाहते हैं कि गांधी मैदान का थाना कांड संख्या 134 2011 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ,
उसमें मणि पिता शिवचंदन यादव आर ब्लॉक रोड नंबर 5 फ्लैट नंबर 8 वह आदमी कौन है क्या जिसके बारे में यह चर्चा होती है जो उनके परिजन है और माननीय तेजस्वी यादव के निजी सहायक है यह स्पष्ट होना चाहिए। इस संबंध में मुकदमा हुआ। हम यह जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो थाना कांड संख्या 134/2011 में जो गिरफ्तार हुआ वह क्या आपके व्यक्तिगत सहायक निजी सहायक के रूप में है ये बिहार की जनता को स्पष्ट करिए। और साथ ही साथ हम यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को तो न्यायिक मौन है जुडिशियरी के माध्यम से उनको न्यायिक मौन करने वाले को कहा गया है तो माननीय रघुवंश बाबू माननीय रामचंद्र पूर्वे जी जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब शिवा माननीय शिवानंद तिवारी जी रामचंद्र पूर्वे जी आप यह स्पष्ट करिए। संजय जी ने विभिन्न बिंदुओं को ध्यान आकर्षित किया आदरणीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सलाहकार चूंकि इतने गंदे और घिनौने आरोप के बावजूद राजनीति के नैतिकता की को हनन करते हुए निकृष्टता की हद कर दी गई कि पार्टी ने आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और नवरात्र की अवधि में जब मां बहन बेटी की पूजा की जाती है उस अवधि में भी आदरणीय लालू प्रसाद जी को मिलने में कोई राजनीतिक लज्जा नहीं महसूस हुआ। महत्वपूर्ण पायदान आप मानते थे संपत्ति संविधान को मानते थे क्या अनैतिक देश व्यापार अधिनियम होने से आरोप लगने वाले पर जिस पर चार्जशीट हो चुका है उसको व्यक्तिगत सहायक बनाए हुए और छाया की तरह साथ करने की बात कही जाती है तो हम केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति वही है जो गांधी मैदान रहने का आरोपी है। अगर आरोपी है तो राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता तेजस्वी यादव से यह मांग करेंगे इतने घिनौने आरोप जिस पर लगा हो जो चार्जशीटेड हो क्या उसको निजी सहायक के पद से आप हटाएंगे अगर नहीं हटाएंगे उसका निपटारा बिहार की जनता ने बनाएंगे। तो ये आज भी विपक्ष के नेता के रूप में श्री मणि प्रकाश यादव निजी सहायक वाह माननीय नेता विरोधी दल बिहार नियुक्ति तिथि 28/7/2017 पिता श्री शिवचंद्र यादव रोड नंबर 5 आर ब्लॉक ऑर्थोडॉक्स चैंबर फ्लैट नंबर 8 बिहार के रूप में आज भी उनका पता दर्ज है। दो व्यक्ति क्या वही गांधी मैदान के जो जिस घर का FIR पढ़ा नहीं जा सकता है कोई सब नागरिक उस FIR को आमतौर पर पढ़ नहीं सकता है और चार्जशीट हो गया आखिर गांधी को कहां ले जाना चाहते नेता तेजस्वी यादव के निजी सहायक अनैतिक व्यापार अधिनियम सहित अन्य मामले में गांधी मैदान थाना कांड संख्या 134/2011 के आरोपी है। अगर यह सही है तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के निजी सहायक जो अनैतिक व्यापार अधिनियम के आरोपी हम चार्जशीट है वो व्यक्तिगत सहायक बनाना उचित है। अगर यह सही है तो राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी सिद्दीकी साहब जगतन बाबू शिवानंद तिवारी जी रामचंद्र पूर्वे जी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से अपना राजनीतिक पायदान पर नीचे लाते हुए भी क्या तेजस्वी यादव से हम साबित मांग करेंगे पार्टी के अंदर नहीं क्या साबित मांग करेंगे जिस पर इसने गंदे और घिनौने आरोप हो उसको आप निजी सहायक से हटाएंगे कि नहीं।